अंदर का उस गांधी के नाम से आपने पार्टी चला रखी है, उस गांधी के नाम से आप अपनी सरकार को चला रहे हैं। तो कम अज कम उनकी जयंती पर कपड़ा पहना दिया, सांझ 5:30 बजे सुना दीजिए बने और जमानत जब एटीएम के होगी फिर बात है, एटीएम के जोर फिर पकड़ लाए तहसील में, फिर लाके बिठा दिया थाना में, गिरफ्तारी का कागज बना दिया, घूम थाना गा लिया मैंने खूब कई बार सुनी, अब जमानत होगी अब तो छोड़ दे, अब भी कहा चाह तुझे गिरफ्तार करो भाई, जब मेरा कसने जाना फोन करो यहाँ पर, तो कसने करो जब जब आने में छोड़ो, हमारे बुजुर्ग के साथ अन्याय हुआ है, बगैर कोई केस उसके ऊपर नहीं था और थानेदार ने उसके साथ पिटाई करी है और 151 में जमानत होने के बाद एक रात फिर उसको पीटा है। ये किसी संविधान और कोई कानून ये नहीं कहता कि 151 के बाद उसको दोबारा पीटो और बुजुर्ग को बगैर केस के उस पर मारपीट करना, ठीक है परिवार में कोई होगा मुलजिम लेकिन जिसके ऊपर केस नहीं उसको पीट नहीं सकते, दबाव बनाने के लिए उठा सकते हैं 1-2 घंटे रख सकते हैं, और हमारे बुजुर्ग के साथ जो है अन्याय हुआ है, पूरी 3600 बिरादरी के इस चीज़ का दुख है, 72 साल की उम्र थी उनकी, तो सारे नौजवान बुजुर्ग सारे हमारे भाई सबके रोष है इस चीज़ का, लेकिन ये प्रशासन के कोई रोष नहीं है, और जो ये एडिशनल साहब ने हमें झूठी बात करी है, हमारे साथ धोखा करा है, उसके खिलाफ FIR होने के बाद उसको दोबारा ड्यूटी पे चढ़ा दिया। ये बताइए कल DSP साहब यहाँ आए थे, वो कि उन्होंने क्या कहा था आपसे? उन्होंने कुछ नहीं कहा, हम संतुष्ट नहीं, हम उसकी बात से संतुष्ट नहीं है।